कितने स्टार देना चाहेंगे प्रभास? 5 out of 5। पृथ्वीराज भी थे इसमें, दोनों ने अच्छा काम, दोनों अच्छा काम किए। फुल एक्शन मूवी, अच्छा वीएफएक्स किए, बहुत मजा आया। क्या लगता है इस साल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ले जाएगा? लेकिन 100%। ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मूवी आप देखो, बहुत अच्छा मूवी है, स्टोरी भी अच्छी क्रिएट की है, वीएफएक्स भी अच्छा है और प्रभास तो ग्रेट है। माइट भी उनका कमबैक था बट नॉट एट दिस स्टेज। पृथ्वीराज एंड प्रभास की एक्टिंग कैसी लगी? एब्सोल्युटली ऑसम, दे वर गुड बट स्क्रिप्ट वाज रियली वीक। माइट बी पार्ट 2 में ही विल बी बेटर। अच्छा, पार्ट 2 भी आने वाला है? पार्ट 2 भी आने वाला है। सर कितने रेटिंग देना चाहेंगे साला से? 7.5। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कौन जानना चाहेंगे कौन सी फिल्म देखकर आ रहे हैं आप? मैंने देखी सलार। कैसी लगी? मंत्रमुग्ध हो गए, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं कहने के लिए, मुझे समझ में नहीं मैं क्या बोलूं। इतना अच्छा एग्जीक्यूशन, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, प्रशांत नील हैट्स ऑफ। मतलब प्रभास का कमबैक, क्या कमबैक है। और ये ऐसी मूवी है जिसके हर सीन में आपको गूसबम्स आएंगे, हर सीन में। मतलब लास्ट में तो आप देखते रह जाएंगे कि मैंने क्या देख लिया। और साथ में जगपति बाबू का बहुत अच्छा रोल है, श्रुति हसन उनका बहुत अच्छा रोल है, और पृथ्वीराज एक साउथ के एक्टर, उनका अच्छा रोल है। बाकी मूवी बहुत ही ज़्यादा कमाल की, दोनों ही। फर्स्ट हाफ थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का है, सेकेंड हाफ ज़्यादा लंबा है, और क्लाइमेक्स तक पहुँचते पहुँचते तो इट इज़ जस्ट फ्लॉलेस। क्या लगता है इस साल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ले जाएगा? डेफिनेटली। म्यूजिक बहुत अच्छा है, डायरेक्टर पावरफुल, डायलॉग्स बहुत, रवि वसरूर का म्यूजिक बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है भुवन गौड़ा की, और एडिटिंग भी मुझे लगी 3 घंटे के आसपास है, तो एडिटिंग भी ठीक है उज्जवल कुलकर्णी की। तो ओवरऑल इट्स अ मस्ट वॉच, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। फाइनली सलार जो है बहुत ही अच्छी पिक्चर है, और अगर मैं जवान और पठान के बाद अगर बात कर तो टक्कर जो देने वाला है वो है सभी को सलार, और सभी के रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली। क्या लगता है सलार इस साल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ले जाएगा? 1000 कहते हैं ना, मतलब अभी जो हैट्रिक है ना, थाउजेंड्स करोड़, तो ये सलार थाउजेंड्स करोड़ इस बार लेकर जाने वाला है। क्या लगता है आपको कि जैसे कि फिल्म के एंडिंग में बताया गया कि पार्ट 2 भी आने वाला है? पार्ट 2 का तो इंतज़ार रहेगा ही। जब कहते हैं ना एक्शन पिक्चर्स जो जितने भी होती है ना, वो पिक्चर इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि हम लोग इंतज़ार करते हैं। और प्रभास का रियल और रियलिटी जो है ना, वो यही लुक है जिसे हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं। आदि पुरुष में कहीं ना कहीं हम लोग डिसअपॉइंट हुए थे, बट अगर कम बैक हुआ है तो ये बहुत तगड़ा वाला बैक होने वाला है। So, 5 में से 5, स्पेशली प्रभास भाई के लिए। ऑडियंस के लिए यही कहना चाहूँगा, ऑडियंस के लिए तो अब की बार पता है क्या ना, ऑडियंस घर पे बैठ के बोर हो रही थी ना, वो 100% आके खुद देखेगी इस पिक्चर को जिसका नाम है सलार। पिक्चर बहुत मज़ेदार थी, मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि एक्शन सीन्स बहुत इतने यूज लेवल पे शूट किए गए, इतने ग्रैंड लेवल पे शूट किए, तो मज़ा आता है देखने में। मेरे लिए दोनों हाफ अच्छा था, कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्टार्ट मतलब बिल्ड किया सेकेंड हाफ के लिए, और सेकेंड हाफ में मतलब एक्शन सीन्स बहुत बढ़ गए। फर्स्ट हाफ में इंटरवल ब्लॉक बहुत अच्छा था, सेकेंड हाफ में फिर एक्शन का लेवल बढ़ गया फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ में, तो देखने में बहुत मज़ा आया। पृथ्वीराज सुकुमार जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, और प्रभास का मतलब ग्रैंड कमबैक हुआ है सलार से, मतलब उनकी दिखती है, उनने मतलब इसमें एफर्ट डाला है। वो बाहुबली के बाद ऐसा लग रहा था वो खाली मूवी करने के लिए कर रहे हैं, मतलब वो एफर्ट नहीं दिख रहा था उनमें, इसमें मतलब एफर्ट दिख रहा है, उनकी मेहनत रंग लाई है। ब्रिलियंट, लाइक ही नेल्ड इट। ओके, ही विल गोइंग टू नेल द बॉक्स ऑफिस आल्सो एंड इन मूवी आल्सो नेल्ड इट। पृथ्वीराज हैज डिड अ डीसेंट वर्क, आई विल टेल, आई हैव सीन हिज मूवीज आल्सो, बट या उनको इतना इस मूवी में इतना रोल नहीं था, अच्छा था रोल बट उनको और बिल्ड किया है बाद में एंडिंग में आके, बट आई विल टेल कि सेकेंड पार्ट में उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है इसमें।